हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TDA 6283 या फिर CD 6283 और LA 4440 IC के पावर के बारे में, और दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसका स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे और इसका परफॉर्मेंस कैसा आता है उसके ऊपर ही यहाँ पे आप लोगों को मैं अपना ओपिनियन दूंगा। वैसे दोनों ही IC हमारा 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और दोनों ही काफ़ी पॉपुलर और यहाँ से आपको काफ़ी आसानी से मिल जाती है मार्केट से भी। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 6283 का डाटा शीट के अंदर। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, एक हमारा 12 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला एक IC है और यहाँ पे लिखा गया है कि आप इसको अगर 9 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो ये 2.5 वाट का आउटपुट देगा, और अगर 12 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो 4.6 वाट का आउटपुट देगा। और यहाँ पे लिखा गया है इसका बेस्ट सप्लाई वोल्टेज 9 से लेकर 12 वोल्ट तक होना चाहिए और ये ऑपरेट हो सकता है हाईएस्ट 6 से लेकर 15 वोल्ट के अंदर। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम रेटिंग दिया गया है जो कि यहाँ पे लिखा गया है 20 वोल्ट तक काम कर सकता है, लेकिन इसको 20 वोल्ट पर ऑपरेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो बेस्ट यहाँ पे लिखा गया है कि ये 12 वोल्ट पर सबसे बढ़िया काम करेगा, तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट ही देना चाहिए। तो इसका पावर जो डिसिपेशन है उसका अगर बात करें तो 12.5 वाट दोनों मिला के, जो कि सिंगल पे यहाँ पे 4.6 दिखा रहा है और दोनों मिला के थोड़ा सा इंक्रीज होकर 12.5 वाट तक ही यहाँ पे आउटपुट देता है। और यहाँ पे कुछ ट्रॉपिकल DC वोल्टेज इस टर्मिनल, तो यहाँ पे कौन सा पिन पर कितना वोल्टेज आएगा उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है, जो कि आप अगर IC से कुछ सर्किट वगैरह बनाते हो तो इसका आपको काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका डिस्टॉर्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन 0.2% से लेकर 1% तक डिस्टॉर्शन आ सकता है, और यहाँ पे कुछ खास काम का नहीं है। अब अगर टेक्निकल हो तो यहाँ पे इसका सिंपल सा सर्किट दिया गया है। तो चलिए अभी खोलते हैं हमारा LA 4440 का डाटा शीट। तो मैं यहाँ पे खोल चुका हूँ LA 4440 का डाटा शीट। तो यहाँ पे इसका आउटपुट दिखा रहा है 6 वाट करके। अब अगर इसको स्टीरियो मोड पर चलाएंगे तो इसका 6 वाट करके दोनों चैनल का आउटपुट देगा, लेकिन आप इसको अगर ब्रिज मोड पर ऑपरेट करेंगे इसका आउटपुट 90 वाट तक आउटपुट दे देता है। और इसका अगर गेन की बात करें तो उसका गेन लगभग 47 dB था, और इसका गेन की अगर बात करें इसका 53, तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो ये 25 वोल्ट तक ऑपरेट हो सकता है, जो कि उसका 20 वोल्ट तक था, लेकिन इसको आप ऑपरेट करना चाहिए 18 वोल्ट के अंदर, और इसका बेस्ट परफॉर्मेंस जो आएगा वो 13.2 वोल्ट के अंदर। और यहाँ पे कुछ स्टीरियो और ब्रिज मोड के लिए कुछ सजेशन है कि आप इस ओम्स का, तो स्टीरियो के अंदर 2.2 ओम से लेकर 8 ओम्स का, और ब्रिज मोड के अंदर आप 4 ओम से लेकर 8 ओम्स का लोड दे सकते हो। तो यही था इसका। और इसका अगर पावर डिसिपेशन की बात करें, अगर स्टीरियो मोड पर चले तो 15 वाट का ही आउटपुट दे सकता है, लेकिन अब इसको अगर ब्रिज मोड पर ऑपरेट करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट देगा। और इसका अगर डिस्टॉर्शन की बात करें, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो 0.1 से लेकर 1%, तो उससे थोड़ा सा कम है, 0.1% कम है। हाँ, ये भी काफ़ी मायने रखता है कि यहाँ पर आपको LA 4440 के अंदर काफ़ी कम डिस्टॉर्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ सर्किट वगैरह एग्जांपल सर्किट वगैरह दिया गया है जो कि आप मार्केट से आसानी से बोर्ड के अंदर पा सकते हो। आप अगर खुद बनाना चाहते हो तो इस सर्किट का फॉलो करें, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो फाइनल डिसीजन यही है, LA 4440 आप अगर ब्रिज मोड पर ऑपरेट करेंगे तो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, लेकिन आप अगर इसको नॉर्मल स्टीरियो मोड पर ऑपरेट करेंगे तो तब भी ये थोड़ा सा पावरफुल है, लेकिन ब्रिज मोड पर थोड़ा सा ज़्यादा ही पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे हीट सिंक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको LA 4440 और
8283 की दोनों में सबसे ज्यादा यहाँ पे LA4440 के अंदर आपको ज्यादा हीट सिंक देना पड़ेगा। तो LA4440 के अंदर आपको थोड़ा सा बड़ा हीट सिंक चाहिए एज कम्पेयर टू 8283। तो यहाँ पे आउटपुट आपको LA4440 के अंदर सबसे बढ़िया मिलता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए और मेरा कुछ पॉइंट अगर मिस्टेक होएगा तो नीचे सजेशन कर सकते हो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।